क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उसके सॉल्यूशंस मैं आज करूंगा, ठीक है। तो इसमें पहला एमसीक्यूज है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 10 सेकेंड। आपको कह रहे हैं कि अगर एक बस की एवरेज स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो और वो 10 सेकंड का टाइम जो है वो स्पेंड करें, तो आप मुझे बताएं कि ये कितना फासला कवर कर सकता है, डिस्टेंस मांग रहा है। एक बस है वो इस तरह जा रहा है, कितने स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड, टाइम उसने कितना लिया है, 10 सेकंड का। तो हमें बता रहे हैं कि कितना फासला जो है ये कवर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस इज इक्वल टू वी टी, इस इज इक्वल टू वी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, टी कितना है 10 सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड कैंसल, इस इज इक्वल टू 20 जर बे 10, तो ये कितना आता है 200 मीटर। ये कोहार्ट बोर्ड के पेपर में भी एमसीक्यूज आया था, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यूज है, अ ट्रक एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 सेकेंड। आप कह रहे हैं कि एक ट्रक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम इसने लिया है 5 सेकेंड का। तो आप मुझे बताएं कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। आपके पास फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है 20, वी आई कितना है 15, डेल्टा टी कितना है 5, 20 माइनस 15 5, 5 डिवाइडेड बाई 5, इनसे क्या आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है तीन, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगो एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कह रहे हैं कि एक मोटर कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये टाइम डेल्टा टी लेता है 2 सेकेंड। तो आप मुझे बताएं कि एट स्पीड, फाइनल स्पीड हमसे मांग रहा है वीएफ। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि हमें पता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा ए ज़र्बे डेल्टा टी, यहां पे आएगा वी एफ माइनस वी आई। वी आई को इधर लेके आओ, यहां पे बचेगा आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डेल्टा टी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई कितना है 20 प्लस ए कितना है 4 और टी कितना है 2। तो वी एफ इज इक्वल टू 20 प्लस 8, वी एफ इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड, ये आपके क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 4, अ बर्ड बिगेन टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक परिंदा जो है उसकी एक्सेलरेशन हमें दी गई है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकेंड, टाइम उसने लिया है 3 सेकेंड का। इट्स चेंज इन वेलोसिटी, हमसे डेल्टा वी मांग रहे हैं, क्या डेल्टा वी। हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दोनों साइड को डेल्टा टी जो है वो मल्टीप्लाई करो, डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्रॉस डेल्टा टी, ये और ये कैंसिल, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इन टू डेल्टा टी। डेल्टा वी इज इक्वल टू ए ज़र्बे डेल्टा टी, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए कितना है 0.3 और डेल्टा टी कितना है 3.339, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या होगी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अ कार इज गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। आपको कह रहे हैं कि एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पहले इसकी वेलोसिटी थी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड,
जब 10 सेकंड का टाइम गुजर गया तो इसने अपनी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर दी, पहले वो इस डायरेक्शन में था फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या कह रहे हैं, द एक्सेलरेशन, कि आप मुझे बताएं कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो हम एक्सेलरेशन देखे किस तरीके से बताएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है 10, माइनस ये कितना है 5, और नीचे हमने क्या लगाना है 10, तो ए इज इक्वल टू 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 वन जर 5, 5 टू जर 10, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्क्वेयर। एक्सेलरेशन इसकी कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्क्वेयर। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डैश। आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक साइड पे डिस्टेंस है और एक साइड पे टाइम है तो इसका स्लोप हमें क्या देता है। स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई पे हम क्या लिखेंगे एस, और डेल्टा एक्स पे हम क्या लिखेंगे टी। एस बाय टी हमारे पास किस चीज के बराबर है, वी, और वी आपके पास क्या है स्पीड। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डैश। आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास ग्राफ जो है एक साइड पे स्पीड है और एक साइड पे टाइम है तो इसके दरमियान जो एरिया है वो हमें क्या देगा। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ जरबे विड्थ, तो एरिया इज इक्वल टू यहां पे लिखोगे वी और यहां पे लिखोगे टी। ये हमें क्या देता है, इस इज इक्वल टू के वी टी, और इस हमारे पास क्या है बेसिकली दिस इज अ डिस्टेंस, तो ये हमें डिस्टेंस है। अ स्टूडेंट राइडिंग हिज बाइसाइकल ऑन अ फ्लैट रोड कवर वन ब्लॉक एवरी सेकेंड, इफ ईच ब्लॉक इज 100 मीटर लॉन्ग ही इज ट्रेवलिंग एट अ डैश। आपको कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो इस तरह फासला तय कर रहा है एक सेकेंड जो है, एक सेकेंड या सात सेकेंड, हर सात सेकेंड के बाद वो एक ब्लॉक जो है वो कवर करता है। दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। सात सेकेंड के टाइम में वो एक एक ब्लॉक को कवर करता है। हर एक ब्लॉक की जो लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि इसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड या बोथ ए एंड बी। तो याद रखें इसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी, तो उसमें बोथ ए एंड बी का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है, फासला भी चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों चीजें इसकी क्या है कांस्टेंट। यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू अ रिवर बिलो, व्हेन द रॉक हैज फॉलन 4 मीटर यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, इज द रॉक कंटिन्यू देयर फ्री फॉल, देयर सेपरेशन इज डैश। आपको कह रहे हैं कि इस तरह एक ब्रिज है, आप इस ब्रिज से एक एक पत्थर फेंक रहे हो। जब आप एक पत्थर फेंकते हो तो इसके दरमियान 4 मीटर का फासला है, और फिर आप दोबारा दूसरा पत्थर फेंकते हो उसके दरमियान भी 4 मीटर का फासला है। तो आप मुझे बताइए कि इज द रॉक कंटिन्यू देयर फ्री फॉल, देयर सेपरेशन इज डैश। आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह में हर 4 मीटर के बाद एक एक स्टोन जो है उसको नीचे फेंकूंगा तो इन स्टोन्स के बीच में, रॉक्स के बीच में फासला जो है वो क्या रहेगा, रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हर 4 मीटर के बाद आप एक एक को क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो।